Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video we'll be discussing methods of waste disposal. Friends, waste disposal examination mein kai baar pucha jata hai, kai baar ye question refuse disposal ke naam se bhi pucha jata hai, to please do not get confused. Theek hai? So there are four basic methods of waste disposal. चार basic methods हैं जो कि follow किए जाते हैं waste के disposal के लिए. The first one is burial pits या फिर हम जिसको landfills कहते हैं. Incineration is another process that can be used. Recycling and composting. These are mostly the four method. आप इसको याद कैसे कर सकते हो? मैंने इसका short form बनाया है BRICS से. ठीक है? BRIC के नहीं अवेलेबल है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड, बट आप इसे चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बरियल पिट्स या फिर लैंडफिल्स. इसमें क्या होता है, बरियिंग वेस्ट इन ग्राउंड एंड एलिमिनेटिंग फाउल स्मेल. ठीक है, हम क्या करते हैं इस प्रोसीजर में, जो वेस्ट है उसको ग्राउंड में बरी कर देते हैं, उसको कोई पिट बनाते हैं और उसमें डाल देते हैं. ठीक है, तो उससे क्या होता है, ये जो वेस्ट होता है जब ये डिस्पोज ऑफ होता है तो उसमें से फाउल स्मेल जो आती है, या फिर वेस्ट से अगर ऐसे भी कोई फाउल स्मेल आ रही है तो आपने उसको जमीन के अंदर अगर डाल दिया तो वो वेस्ट, और उसके बाद आपने ऊपर से इसकी सॉइल डाल दिया तो उस वेस्ट की जो मैल ओडरस स्मेल है वो बाहर नहीं आ पाएगी. ठीक है, तो ये एलिमिनेट करने में हेल्प करता है हमारी किस चीज को, फाउल स्मेल को. नेक्स्ट प्रोसेस इज इंसिनरेशन. ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, बर्निंग वेस्ट एट हाई टेम्परेचर एंड कन्वर्टिंग देम इनटू गैसियस सब्सटेंसेस इज नोन एज इंसिनरेशन. ठीक है, तो इंसिनरेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू गैसियस प्रोडक्ट्स. ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, और ये हाई टेम्परेचर का यूज किया जाता है. नाउ फ्रेंड्स, एक डाउट था मेरे पास भी, आप भी मेरा डाउट क्लियर कर सकते हो, दैट इज व्हाई आई हैव डिस्कस्ड दिस, दैट मैंने इंसिनरेशन का टेम्परेचर कई टेक्स्ट बुक में अलग अलग देखा है. ठीक है, समवेयर इट इज मेंशनड अराउंड 850 डिग्री सेल्सियस, कहीं पे 1200 डिग्री सेल्सियस मेंशन किया होता है. तो क्या करेक्ट टेम्परेचर है, प्लीज आप मुझे सर्च करके कहीं से भी अगर बता सकते हो तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. ठीक है, नाउ मूव ऑन. हियर It has been mentioned about recycling. ठीक है, recycling is another process. The process of reusing the discarded materials and converting them into something new. ठीक है, हम recycle करते हैं कुछ substances को, तो वो क्या किया जाता है, उसमें जो खराब substances होते हैं उसे हम recycle करके कुछ दूसरे substances में convert करते हैं. For example, आप इसे कैसे समझ सकते हो, आपने नोटबुक देखी होगी, रफ नोटबुक, वो जो डार्क पेजेस वाली आती थी, तो दैट वाज नोन टू बी रिसाइकल्ड नोटबुक. ठीक है, तो रिसाइकल्ड क्या होता है, रिसाइकल्ड पेपर भी हो सकता है, वेस्ट को भी हम रिसाइकल कर सकते हैं, तो ये भी एक प्रोसेस है वेस्ट डिस्पोजल का. ठीक है, रिसाइकलिंग से क्या होता है, ये रिड्यूस करता है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस के हार्मफुल इफेक्ट को ये यूज करता है. ठीक है, रिड्यूस करता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट मेथड एंड दैट इज कंपोस्टिंग. तो जब कोई ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है, ऐसी चीजें जो डिस्पोज हो जाती है माइक्रोब्स के थ्रू. ठीक है, तो हम उसे क्या करते हैं, हम इसे एक पिट बनाते हैं, उसमें डाल देते हैं, और जो भी आसपास के बैक्टीरिया होते हैं वो आते हैं यहाँ पर और इसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं. ठीक है, इस वेस्ट को, तो वी कॉल इट कंपोस्टिंग. यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन ऑर्गेनिक वेस्ट इज केप्ट इन अ पिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड द माइक्रोब स्टार्ट डिकम्पोजिंग द वेस्ट, न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट बिकम्स मैन्योर फॉर द प्लांट. तो क्या होता है, यहाँ पर कंपोस्टिंग हो जाती है. ठीक है, और वो फिर एक स्लरी काइंड ऑफ थिंग बन जाता है, वी कॉल इट कम्पोस्ट. और वो कम्पोस्ट क्या होता है, वो न्यूट्रिएंट में बहुत ज्यादा रिच होता है. आपने सुनी होगी कि बहुत लोग जो घर के खाने होते हैं उसको पिट में डालते हैं
उसकी कंपोस्टिंग करते हैं एंड आफ्टर दैट उसको खाद की तरह यूज करते हैं. इट इज यूज एज मैनुअर, मैनुअर मतलब खाद होता है, ठीक है. तो वही कंपोस्ट जो कि न्यूट्रिएंट रिच होता है वो हम एज अ मैनुअर एज अ खाद यूज करते हैं प्लांट्स के लिए सो दैट उनकी ग्रोथ अच्छी हो, ठीक है. तो फ्रेंड्स दिस इज इट फॉर टुडेस सेशन इन विच वी हैव डिस्कस्ड मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल. फ्रेंड्स ये एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है. दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड एज रिफ्यूज डिस्पोजल सो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. ऑल्सो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो कि एसपीएम के अपकमिंग लेक्चर्स मिस ना हो तो प्लीज 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 मेडिक्योर बॉडी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप मेडिक्योर बॉडी के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो. थैंक यू.